सागर जिले के देवरी एक्सीलेंस स्कूल में विगत दिवस 11 नवंबर गुरुवार को एक छात्र के द्वारा छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर मारपीट की घटना को अंजाम दिए जाने का मामला सामने आया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर परिजनों ने देर शाम देवरी आकर छात्र ललित रजक के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिस पर पुलिस ने 354-323 का प्रकरण दर्ज किया था। साथ ही पीड़ित छात्रा के पिता ने लिखित आवेदन देकर लापरवाह स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की थी, परंतु स्कूल प्रबंधन पर कार्यवाही न होने पर आज दूसरे दिन 12 नवंबर शुक्रवार को दोपहर लगभग 2 बजे पीड़ित परिजनों के साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण लापरवाह स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्यवाही करने को लेकर ज्ञापन सौंपने SDM देवरी कार्यालय पहुंचे, जहां पर SDM अमन मिश्रा प्रशासनिक मीटिंग में व्यस्त होने के कारण अनुपस्थित मिलने पर नाराज भीड़ ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इसी दौरान कार्यालय के सामने जमीन पर बैठकर एक व्यक्ति द्वारा CM हेल्पलाइन 181 पर भी शिकायत दर्ज कराई। कुछ समय बाद तहसीलदार विनीता जैन कार्यालय पहुंची तो उन्हें देख गुस्साए लोगों ने जमकर नारेबाजी की और हंगामा करते हुए SDM कार्यालय का चैनल गेट बंद कर सभी लोग गेट पर इकट्ठे हो गए। इसी दौरान SDM अमन मिश्रा तहसीलदार विनीता जैन के द्वारा लोगों को समझाइश देकर ज्ञापन लेकर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया। वीडियो डिलीट करा देना था। दिनांक 11/11/2021 को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय देवरी में एक बेटी के साथ बहुत ही घिनौनी हरकत की गई और उसके साथ मारपीट की गई। उसमें स्कूल के कम से कम 41 लोगों का स्कूल में स्टाफ है, लेकिन ना वहाँ के प्राचार्य और ना ही वहाँ के स्टाफ ने किसी भी प्रकार की कोई सहायता की, ना बीच बचाव किया और लगभग 9 बजे तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। जब सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो वायरल हुआ तब जाकर वो लोग जागे और करीब करीब 9 बजे थाने में आवेदन दिया होगा, शायद जानकारी तो नहीं है, लेकिन बाकी लापरवाह है अधिकारियों के कारण इस तरह की कृत्य होते रहेंगे तो प्रत्येक परिवार के अभिभावक बच्चियों के साथ पढ़ाना जायज नहीं समझेगी, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं हुई तो बच्ची को क्यों पढ़ाएंगे। एक बरहमेश बच्चियों में डर का भय का माहौल बना रहेगा और उनसे उसकी पढ़ाई बाधित। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया, क्या मांगे हैं आप लोगों की? ज्ञापन में जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उन पर तत्काल उनको सस्पेंड किया जाए, उनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई नहीं होती तो 3 दिवस के अंदर हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, तरह तरह के तरीके अपनाएंगे। जिससे आप कार्रवाई चाहते हैं? प्राचार्य एवं वहाँ के स्टाफ पर जो उपस्थित स्टाफ था वहाँ। हाँ, कितने दिन का समय दिया आप लोगों ने? 3 दिन का समय दिया, 3 दिन में हम लोग कार्रवाई करेंगे। देवरी में ऐसा नहीं है, पूरे तरह मंचलों पर कार्रवाई की है आने पहले समय में, और स्कूल के अंदर की घटना जो है आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए और परिवार के लिए भय का माहौल बना रहे, कम समय में उचित कार्रवाई हो जाती दोषियों पर। और जिनने ये वीडियो बनाई है और बहुत गंदे गंदे गाने डाले और इसके कम समय में अच्छी कार्रवाई हो जाए, आप तो आने नजीर हो जाए और पुलिस व्यवस्था और देवरी की प्रशासनिक व्यवस्था मेट मध्य प्रदेश के लिए सागर से परसराम साहू की रिपोर्ट।